हेलो बच्चों, कल हमने सिंगुलर एंड प्लूरल रीड किए थे, जिसमें हमने एस और ई एस जोड़कर प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं ये पढ़ा था। ई एस जोड़कर प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या देखना होता है कि किसी वर्ड के एंड में यदि एस एच, सी एच, एक्स, ओ और एस आता है, क्या क्या आता है? एस एच, सी एच, एक्स, ओ और एस आता है, तो उस वर्ड के एंड में हम प्लूरल बनाते समय क्या लगाते हैं? ई एस ऐड करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आई ई एस ऐड कर प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं, प्लूरल मेकिंग बाय एडिंग आई ई एस। आई ई एस का रूल होता है जब किसी वर्ड के एंड में वाई आता है, कौन सा लेटर आता है? वाई, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आता है। वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो हम वाई को हटाकर उसका प्लूरल बनाते समय उसमें आई ई एस को ऐड कर देते हैं। और अगर किसी वर्ड में वाई के पहले वाउल आता है तो फिर हम वाई को ऐसे ही रहने देते हैं और उसके साथ एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि कल हमने बॉय और टॉय का प्लूरल बनाया था, उन वर्ड्स में वाई के पहले वाउल ओ आता है, इसलिए उसमें प्लूरल बनाते समय ओनली एस ऐड किया जाता है। और अगर y के पहले कॉन्सोनेंट आता है तो y को हटाकर उसकी जगह पर ies ऐड किया जाता है। इट मीन्स कि y के दो रूल हैं, एक तो अगर y के पहले कॉन्सोनेंट आता है तो y को हटाकर ies लगा दिया जाता है, और यदि y के पहले वाउल आता है तो y को कुछ नहीं किया जाता, उसके साथ में ऐड s ऐड करके और प्लूरल बना दिया जाता है। अब हम कुछ वर्ड्स रीड करेंगे जिनमें आई ई एस ऐड कर प्लूरल बनाया गया है। फ्लाई, एफ एल वाई, फ्लाई, फ्लाइज, एफ एल आई ई एस, फ्लाइज, यहाँ पर लास्ट लेटर वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है एल, इसलिए इसको हटाकर क्या लगा दिया? आई ई एस। बॉडी, बी ओ डी वाई, बॉडी, बॉडीज, बी ओ डी आई ई एस, बॉडीज, वाई के पहले डी कॉन्सोनेंट आ रहा है इसलिए वाई को हटाकर आई ई एस ऐड कर दिया। बेबी, बी ए बी वाई, बेबी, वाई के पहले बी आ रहा है, कॉन्सोनेंट बी, तो बेबी का प्लूरल हो गया बेबीज, बी ए बी आई ई एस, बेबीज। सिटी, सी आई टी वाई, सिटी, वाई के पहले कॉन्सोनेंट टी आ रहा है तो सिटी का प्लूरल हो गया सिटीज। लेडी, लेडीज, एल ए डी आई ई एस, लेडीज। फेरी, एफ ए आई आर वाई, फेरी, फेरीज, वाई को हटाकर आई ई एस ऐड कर दिया। चेरी, सी एच ई डबल आर वाई, चेरी, चेरीज, सी एच ई डबल आर आई ई एस, चेरीज। करी, सी यू डबल आर वाई, करी, सी यू डबल आर आई ई एस, करीज। डेरी, डी ए आई आर वाई, डेरी, डेरीज, डी ए आर आई ई एस, डेरीज। हॉबी, हॉबीज, एच ओ डबल बी वाई, हॉबी, एच ओ डबल बी आई ई एस, हॉबीज। तो आपने देखा कि जिस वर्ड के एंड में वाई आता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसका प्लूरल बनाते समय वाई को हटाकर आई ई एस लगा दिया जाता है, और अगर वाई के पहले वाउल आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता, ओनली एस ऐड कर प्लूरल बना दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बाय एडिंग वी ई एस। ये वी ई एस का रूल है, इसमें हम लास्ट लेटर अगर एफ होगा या एफ ई होगा
तो उसको हटाकर वी ई एस लगा देंगे। यहाँ पर कुछ वर्ड्स को हम पढ़ते हैं, उससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सी ए एल एफ काफ, काव्स। तो यहाँ लास्ट लेटर क्या था, एफ, तो इसको हटाकर क्या कर दिया, वी ई एस लगा दिया, तो काफ का प्लूरल हो गया काव्स। लाइफ, लाइफ, लाइफ में लास्ट में था एफ ई, तो एफ ई दोनों को हटा दिया और उसकी जगह लगा दिया वी ई एस, तो लाइफ का प्लूरल हो गया लाइव्स। वुल्फ, वुल्फ का प्लूरल हो गया वुल्फ्स, वुल्फ, वुल्फ्स, एफ हटाकर वी ई एस लगा दिया। थीफ, थीव्स, यहाँ पर भी एफ हटा दिया और उसकी जगह पर वी ई एस लगा दिया। शेल्फ, शेल्फ्स, वाइफ, वाइफ्स, नाइफ, के एन आई एफ ई, नाइफ, नाइफ्स, हाफ, हाफ्स। तो इस तरीके से वी ई एस का रूल क्या हुआ कि यदि वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई आता है तो उसको हटाकर वी ई एस लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार इस लेसन में हमने सबसे पहले पढ़ी थी सिंगुलर प्लूरल की डेफिनेशन, उसके बाद हमने सीखा कि कैसे प्लूरल बनाए जाते हैं, एस ऐड करके, ई एस ऐड करके, आई ई एस ऐड करके और वी ई एस ऐड करके। तो अब आपको सिंगुलर प्लूरल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।